कर्जे में डूबे रोडवेज के 3 अधिकारी अब यूनाइटेड किंगडम में होने वाले यूरो बस एक्सपो में नहीं जाएंगे। ऐसे में अब रोडवेज के लाखों रुपए बचेंगे। दरअसल इन 3 में से 2 अधिकारी 2 माह पहले दुबई जा चुके हैं और वहां से मिले अनुभव का विशेष फायदा रोडवेज को नहीं हुआ। ऐसे में एक बार फिर ये अधिकारी यूके जाते तो इस दौरे में भी लाखों रुपए खर्च होना तय था। बता दें कि इस मामले का खुलासा पत्रिका ने 28 अक्टूबर के अंक में बोनस देने के पैसे नहीं और अब 3 अधिकारी जाएंगे विदेश और उसके बाद 29 अक्टूबर को इसी कड़ी में विदेश दौरे पर उठने लगे सवाल शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया था, जिसके बाद परिवहन निगम हरकत में आया और रोडवेज के 3 अधिकारी 1 नवंबर से 3 नवंबर तक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाले यूरो बस एक्सपो 2022 में शामिल होने जा रहे थे। इन अधिकारियों में कार्यकारी निर्देशक ट्रैफिक संजीव कुमार पांडे, कार्यकारी निर्देशक अभियांत्रिकी रवि सोनी और कार्यकारी प्रबंधक पीवीसी पंकज कुमार शामिल थे। इन अधिकारियों के इस टूर के खर्चे निगम की ओर से वहन किए जाने थे, जिसके लिए रोडवेज की ओर से जारी किए गए कार्यालय आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों को हवाई जहाज का किराया दिया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट और वीजा चार्जेस भी दिए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक अधिकारी को $250 प्रतिदिन का समय भत्ता दिया जाएगा, जिसमें निर्वाह भत्ता, दैनिक भत्ता और ट्रेवल भत्ता शामिल होगा। इसके साथ ही ट्रेवल इंश्योरेंस, मेडिकल चार्ज आदि का भुगतान भी परिवहन निगम की ओर से किया जाएगा। पत्रिका ने यह भी बताया कि इस दौरे से रोडवेज को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। कारण यह है कि एक्सपो में जो बसें आने वाली हैं वो उच्च तकनीक और लग्जरी होंगी, जबकि कर्ज में डूबी रोडवेज साधारण बसें भी नहीं खरीद पा रही हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, खबर का असर हुआ है और बैकफुट पर आ गया है रोडवेज? बिल्कुल, देखिए जो बड़ा मामला था वो मामला इसलिए बड़ा, जहाँ रोडवेज के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, दीपावली पर उन्होंने बोनस दिया और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से फॉरेन ट्रिप जो अधिकारी है उनको यहाँ पर कराई जा रही थी और इन 3 अधिकारी में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार पांडे जो की आरएसपी के वो थे, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियरिंग राजेश मुनी और एग्जीक्यूटिव मैनेजर पीसी पंकज कपूर, ये 3 जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर विदेश भेजने का तोहफा है एक बार फिर से यहाँ पर दिया जा रहा था, क्योंकि 2 अधिकारी जो है रवि सोनी और संजीव कुमार पांडे ये दोनों पहले भी दुबई के एक्सपो में जा चुके थे और सबसे बड़ी बात कि जिस एक्सपो में इस बार ही जाने वाले थे यूनाइटेड किंगडम में, वहां पर जो एक्सपो होने वाली थी उस एक्सपो का मेन मोटो था कि जो नई तकनीक से जुड़ी हुई जो बसें हैं वो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, अपनी अपनी कंट्रीज में जितने भी देश के प्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे थे वो उनसे ये चीजें समझना चाह रहे थे कि किस तरह की जो नई बसें हैं वो यहाँ पर आ रही है। लेकिन बात करें राजस्थान रोडवेज की तो राजस्थान रोडवेज की जो हालात है वो ठीक नहीं है। खुद राजस्थान रोडवेज पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई है, रोडवेज के जो ऑफिस है वो अभी तक तुर्की में है। ऐसी स्थिति में राजस्थान रोडवेज जहां एक और साधारण बसें खरीदने की स्थिति में भी नहीं है, तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात थी कि इस तरह की एक्सपो में जो अधिकारी है उनको भेजा जा रहा था और जो अधिकारी जा रहे थे उससे पहले जिन ट्रिप में वे जाकर के आए उसका कोई बड़ा अनुभव है, उसका फायदा राजस्थान रोडवेज को या प्रदेश की जो जनता है उसको देखने को नहीं मिला। और इस पूरे मामले को लेकर के पत्रिका टीवी ने लगातार पिछले 2 दिन से अलग अलग सीरीज जो है खबर की यहाँ पर चलाई और उसके बाद में प्रशासन जो है वो चेता और अब जो 3 अधिकारी हैं ये विदेश नहीं जाएंगे, ये जो लगभग है वो तय हो चुका है। और खुद परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला है वो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिए, उन्होंने एक पहल की कि इस तरह का जो खर्चा है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि जितने भी ये जो अधिकारी जा रहे थे उनको एयर फेयर जो था उनका वो रोडवेज दे रही थी, इसके साथ ही $250 पर डे प्रति अधिकारी को यहाँ पर पेमेंट किया जाना था, जो कि जिसमें उनका डीएनएस अलाउंस और अदर जो अलाउंस थे वो यहाँ पर होने थे। इसके साथ ही अन्य जो खर्चे हैं वो मिलाकर के यदि बात करें तो करीब 13 से 15 लाख के बीच का ये पूरा जो ट्रिप है ये यहाँ पर उनका पड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए रोडवेज प्रशासन की एक बड़ी पहल है कि इस तरह की जो फिजूल खर्ची है उसको रोका जाए, क्योंकि देखिए जब कोरोना काल आया उस कोरोना काल के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मितव्ययता की जो बात है वो यहाँ पर कही थी कि किसी भी तरह की जो फिजूल खर्ची है वो नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के जब एक्सपो है उस एक्सपो में जो कंट्रीज वहां पर पहुंचेंगी तो उसका मेन मोटो होगा कि अपनी कंट्रीज में जाकर के और उस टेक्नोलॉजी को वहां पर रोड पर लाया जा सके, लेकिन हमारे यहाँ पर भी वो स्थिति ही नहीं है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक बड़ा फैसला है यहाँ। जी
है कि रोडवेज की जो भी स्थिति रही उसे पहले भी एक्सपो के लिए अधिकारी जा चुके हैं, तो आखिर ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए माना जा सकता है कि ये टूर किया जा रहा था? क्योंकि जिस तरीके से रोडवेज की जो कंडीशन है उसके बाद में ऐसा डिसीजन लेना, क्या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा था? जी बिल्कुल, देखिए रोडवेज में कुछ यदि रोडवेज मुख्यालय की बात करें तो कुछ जो चहेते अफसर है उनको फायदा पहुंचाने के लिए कई बार इस तरह के जो प्रयास वो यहाँ पर किए गए। दुबई एक्सपो की बात करें तो दुबई एक्सपो जो था वो ई टिकटिंग पर था, और ई टिकटिंग का मतलब है कि आप अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रो जो डिजिटल जो टिकटिंग है उसको इतना विस्तृत कर दे ताकि किसी भी तरह की जो टिकट चोरी है या बिना टिकट कोई यात्रा कर सकता है, और ये सब चीजें वहां पर रुके। और जो ई टिकटिंग थी इसके लिए वहां पर ट्रैफिक या रेवेन्यू से रिलेटेड जो ऑफिसर थे उसका जाना वहां पर जरूरी था। हालांकि ट्रैफिक के संजीव कुमार पांडे जो कुछ आ रहे थे अधिकारी हैं वो यहाँ पर चले गए, लेकिन जो रवि सोनी है उस वक्त भी दुबई एक्सपो में थे जो खुद इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो इंजीनियर जो है वो ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल के नहीं बल्कि वो इंजीनियर थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठा हुआ था कि जब रेवेन्यू के अधिकारी को आपको भेजना था तो आपने क्यों जो अधिकारी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से वहां पर भेजा। इन सब चीजों को लेकर के लगातार सवाल और निशान है वो यहाँ पर थे। और आप क्योंकि 2 महीने पहले भी दुबई का ट्रिप हुआ था और 2 महीने के बाद में आप वापस जब इंग्लैंड का ये ट्रिप आया तो उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं जो राजस्थान रोडवेज का जो अधिकारी है अन्य जो अधिकारी उनके बीच भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि कुछ ही जो अधिकारी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए हर बार इस तरह का काम किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने भी इस बात को जो अधिकारी है अपने भी इस बात को लेकर के लामबद्ध कि इस तरह का फायदा है कि नंबर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि मौका मिलता है सभी अधिकारी खुले जो। लेकिन मौके की भी बात यहाँ पर ये सामने आ रही कि किसी तरह का कोई फायदा कोई भी अधिकारी यदि उस एक्सपो में जाएगा तो उसका कोई फायदा है तो राजस्थान रोडवेज को नहीं मिलेगा। आप ये देखिए अगर हम कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पीछे बेसिक पर्पज होता है कि हमें उससे कुछ रिटर्न मिले, लेकिन यहाँ पर रिटर्न जैसी स्थिति है राजस्थान रोडवेज के लिए कहीं से भी निकल करके सामने नहीं आ रही क्योंकि रोडवेज की हालात इस तरह के हैं कि किसी तरह का अभी कोई बड़ा खर्चा जो है नहीं किया जा सकता है। क्योंकि 103 करोड़ रुपए की 103 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है कुर्की का जो डिक्री जारी हुई थी वो यहाँ पर पेंडिंग पड़ी है। साथ ही कई ऐसे बड़े मसले हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है, सब चीजों को लेकर के पहली